एशिया कप अब नेपाल में भी होगा। 2023 जो एशिया कप होने वाला है, नेपाल टीम उसमें क्वालिफाई किया है। अब कुछ मैच नेपाल में भी होगा क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का हालात सही नहीं, हो भी सकता है कि एशिया कप ना हो। लेकिन सूत्रों के मुताबिक मालूम चला है, नेपाल के मीडिया के मुताबिक मालूम चला है कि नेपाल के जो करता धरता है मैच कराते हैं, जो मैच खिलाते हैं, उनसे खबर हुआ है, वो अपील किए हैं सीसी को कि कुछ मैच नेपाल टीम को भी देना चाहिए होस्ट करने के लिए, क्योंकि कुछ मैच हो सकता बांग्लादेश में हो, कुछ मैच हो सकता श्रीलंका में हो। मीडिया के मुताबिक मालूम चला कि वो लोग भी एक लिस्ट चिट लिख के भेजे हैं कि नेपाल टीम को, नेपाल को भी कुछ मैच देना चाहिए होस्ट करने के लिए। नेपाल टीम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगा, नेपाल फैंस के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी का मौका होगा कि नेपाल ने भी कभी ना कभी एशिया कप होस्ट करेगा। हो सकता है 2023 का जो एशिया कप मैच होने वाला उसको होस्ट करे। नेपाल टीम जब क्वालिफाई नहीं किया था तो ऐसा निकल कर नहीं आ रहा था कि नेपाल टीम 2023 एशिया कप खेलने के लिए क्वालिफाई किया, तो नेपाल ने दौड़ लगा के चिट्ठी भेजा है कि कुछ मैच नेपाल में भी एशिया कप का होना चाहिए, कि जैसे कि नेपाल पाकिस्तान का और नेपाल इंडिया का एक एक मैच हो जाए। इससे बड़ा इतिहास रचने का दिन नेपाल को नहीं मिलेगा, इससे बड़ा खुशखबरी नेपाल टीम को और नेपाल फैंस को अभी भी नहीं मिलेगा एशिया कप मैच देखने के लिए, अपने घर पे देखने के लिए जो इंडिया पाकिस्तान से नेपाल खेलेगा। हो सकता है कि कुछ मैच भी हो, मीडिया के मुताबिक जब बात निकलता है तो कुछ बात सच होता है। अगर ऐसा हो गया तो स्टेडियम में बैठने का जगह नहीं मिलेगा, खचाखच स्टेडियम नेपाल का फुल हो जाएगा। इंडिया क्या मीडिया और पाकिस्तान के मीडिया से मालूम भी चल रहा है कि 2023 का जो एशिया कप भी ना हो, अगर ना होगा तो नेपाल टीम को लगेगा बहुत बड़ा झटका। अगर होगा तो कुछ मैच नेपाल टीम को होस्ट करने के लिए भी मिले, अगर नेपाल को होस्ट करने के लिए मिलेगा तो हो सकता है नेपाल टीम इंडिया को भी हरा सकता है, पाकिस्तान को भी हरा सकता है। जब कोई टीम अपने घर पे खेलता है, होम में खेलता है, तो दूसरा टीम को चुनौती देता है, हरा देता है, और हरा भी नहीं देगा तो कम से कम फाइट तो देगा ही देगा नेपाल। ये बहुत बड़ा खुशखबरी है नेपाल टीम के लिए, नेपाल फैंस के लिए। मैच के जो करतार दाता है, कम से कम वो अपने आप को प्रूव किए कि हम भी चाहते हैं कि नेपाल एशिया कप होस्ट करने के लिए, अगर नेपाल टीम एशिया कप खेलने के लिए क्वालिफाई ना होता ये बात निकल के नहीं आता। तो गाइस ये खबर आपको कैसा लगा, आप लोग क्या चाहते हो कि नेपाल में एशिया कप का एक या दो मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और आप लोगों को भी क्या लगता है गाइस कि एशिया कप 2023 होगा कि नहीं होगा, अगर ना होगा तो नेपाल टीम को कितना बड़ा नुकसान होगा। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, थैंक यू सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।